iPhone 12 Pro versus iPhone 13 Pro। दोस्तों ये है iPhone 12 Pro जो कि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप डिवाइस है Apple का और ये है iPhone 13 Pro जो कि इस साल का फ्लैगशिप डिवाइस है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों iPhones में। अगर आपके पास iPhone 12 Pro पहले से है तो क्या iPhone 13 Pro में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर आप इन दोनों में से कोई डिवाइस लेने की सोच रहे हो तो कौन सा लेना चाहिए। करेंगे दोनों को इन डेप्थ कंपेयर, तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के डिजाइन की। दोनों ही फोन स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ देखने को मिलते हैं जिसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों ही ग्लास देखने को मिल जाता है। दोनों के ही फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बैक में आपको मैट ग्लास देखने को मिल जाता है जिसका कैमरा मॉड्यूल आपको ग्लॉसी देखने को मिलता है जो कि हर प्रो सीरीज में होता है। इसके चारों तरफ आपको ग्लॉसी स्टेनलेस स्टील फ्रेम देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्लास दिखता है। इन दोनों ही फोन्स की अगर हाइट और विड्थ की बात करें तो वो एग्जैक्ट सेम है, 5.78 इंच हाइट, 2.82 इंच विड्थ। लेकिन यहाँ पे आपको इन दोनों की मोटाई में डिफरेंस देखने को मिल जाता है जो कि काफी माइनर सा है। आईफोन 12 प्रो आता है 7.4 mm के साथ, वहीं आईफोन 13 प्रो आता है 7.65 mm के साथ, यानी कि 0.25 mm ज्यादा थिकर देखने को मिलता है आईफोन 13 प्रो। इसी के साथ इन दोनों के वेट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। आईफोन 12 प्रो आता है 187 ग्राम्स के साथ, वहीं आईफोन 13 प्रो आता है 203 ग्राम्स के साथ। बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है जिसकी विड्थ भी काफी ज्यादा है। इसका कैमरा मॉड्यूल ज्यादा बड़ा होने की वजह से आपको बहुत बड़ा गैप देखने को मिल जाता है जब भी आप इसको टेबल के ऊपर रखते हो, साथ ही ज्यादा हैवियर फील होता है हाथ में भी। ये तो था इन दोनों का डिजाइन एंड बिल्ड। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के ही डिस्प्लेस की। इन दोनों ही फोन्स में आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि OLED पैनल के साथ आता है, और सीरियसली ये अभी तक के मार्केट में दी बेस्ट डिस्प्लेज हैं दोनों। इसमें आपको 2532x1170 का पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 460 पिक्सल पर इंच है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आपको इन दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाता है। iPhone 12 Pro का जो डिस्प्ले है ये 60 हर्ट्ज का है, और वहीं iPhone 13 Pro का जो डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। ये एक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है जिसको प्रोमोशन कहता है एप्पल। बेसिकली ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर जो भी आप टास्क कर रहे हो उसके हिसाब से अपने फ्रेम्स को कम या ज्यादा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फोटो या एक स्टिल स्क्रीन पे हो तो ये 10 हर्ट्ज पे काम करता है, वहीं अगर आप बहुत कोई इंटेंस टास्क कर रहे हो, कोई हैवी गेमिंग कर रहे हो, तो ये बढ़कर 120 हर्ट्ज तक जा सकता है। ये जो वीडियो ये मैंने 120 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो आईफोन 12 प्रो में कितने सारे फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं और आईफोन 13 प्रो एकदम स्मूथली रन कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये कोई प्रोसेसर या फास्ट स्क्रॉलिंग का नहीं है, यहाँ पे स्पीड आपको सेम ही देखने को मिलेगी लेकिन फ्रेम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर आप आईफोन 13 प्रो 10 दिनों के लिए यूज करते हो उसके बाद 12 प्रो में शिफ्ट हो जाओगे तो आपको ये बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा, लेकिन वहीं अगर साइड बाई साइड यूज करोगे तो इतना कोई खास डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। आईफोन 12 प्रो की ब्राइटनेस 800 निट्स तक जाती है, वहीं आईफोन 13 प्रो आपको 1000 निट्स तक ब्राइट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप HDR कंटेंट दोनों में ही कंज्यूम कर रहे हो तो आपको एकदम सेम यानी कि 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी दोनों ही डिस्प्ले। इन दोनों के डिजाइन में आपको एक और मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जो कि है इन दोनों का नॉच। नॉच जो है ये अब 20% छोटा हो चुका है, यहाँ पे जो स्पीकर वगैरह है इसको ऊपर करके शिफ्ट कर दिया गया है, और थोड़ा सा अगर चौड़ाई की बात करें तो हल्का सा ज्यादा चौड़ा हो चुका है। तो ये भी एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोन्स में। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज देनी है। मैं और वंडरशेयर मिलके कर रहे हैं एक गिव अवे जो की है मैगसेफ बैटरी पैक का, जिसकी वैल्यू है 11,000 रुपीज। इसको आप अपने आईफोन के पीछे अटैच करके और अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। बेसिकली ये एक एप्पल का पावर बैंक है। गिव अवे के जो रूल्स हैं काफी ज्यादा सिंपल है, आपको दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, साथ ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिल जाएगी, वहां से आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे वहां पे जाके आप इनकी फॉर्मेलिटीज फिल कर सकते हो, वहां से आप एलिजिबल हो जाओगे इनके गिव अवे के लिए। गिव अवे का जो रिजल्ट है वो इस वीडियो के पब्लिश होने के 1 वीक के अंदर अनाउंस हो जाएगा, तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, वहां पे मैं गिव अवे की डिटेल्स शेयर करता रहूंगा। तो फटाफट से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके वंडरशेयर रिपेरिट के चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी एंट्रीज भर लो। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के प्रोसेसर की, यानी कि इन दोनों में जो आपको चिप देखने को मिल जाती है उसकी। बेसिकली आईफोन 12 प्रो में आपको A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, वहीं आईफोन 13 प्रो में A15 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। आईफोन 12 प्रो की A14 में आपको 6 कोर CPU देखने को मिलते हैं और A15 में भी आपको 6 कोर CPU देखने को मिलते हैं। आईफोन 12 प्रो में आपको 4 कोर GPU देखने को मिल जाते हैं, वहीं आईफोन 13 प्रो में आपको न्यू 5 कोर GPU
देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको ग्राफिक परफॉर्मेंस काफी बेटर देखने को मिलेगी आईफोन 12 प्रो से। वहीं दोनों में ही आपको 16 कोर न्यूरल इंजन देखने को मिल जाता है। तो ये तो काफी ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि जब भी कोई कंपनी अपना नया सीपीयू बनाती है तो वहां पे आपको थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये कितने ज्यादा इंप्रूव्ड हैं, तो अब कर लेते हैं इन दोनों का ही परफॉर्मेंस टेस्ट। दोस्तों, इन दोनों को गीक बेंच टेस्ट किया सबसे पहले हमने, और यहाँ पे जो डिफरेंस था वो इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। सिंगल कोर का डिफरेंस करीब 150 के आसपास और जो मल्टी कोर का डिफरेंस था वो 500 से 600 के आसपास था। लेकिन अगर बात करें गीक बेंच स्कोर की तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। iPhone 12 Pro का स्कोर जहां 9576 था, वहीं iPhone 13 Pro का 14096, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। यहां पे इन दोनों ही फोन्स के iMovie में मैंने एक सेम फाइल डाल के रखी हुई है, और जैसे ही मैंने इन दोनों को एक साथ रेंडर किया तो मुझे जो डिफरेंसेस मिले या फिर जो रिजल्ट्स मिले वो काफी ज्यादा ऑब्वियस थे। यहां पे एक सेकंड का भी डिफरेंस नहीं था, यानी कि दोनों ही फोन्स ने एक साथ परफॉर्म किया, दोनों ही फोन्स ने एक साथ कंप्लीट किया उस चीज को। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो आपको ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलेगी इन दोनों ही फोन्स में। तो दोस्तों, अगर बात हो रही है परफॉर्मेंस की, तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के गेमिंग टेस्ट की, यानी कि BGMI, या फिर टेस्ट कर लेते हैं इसमें न्यू स्टेट। तो इन दोनों का जो गेमिंग एक्सपीरियंस था वो एग्जैक्टली सेम था। यहां पे बहुत ही कमाल तरीके से दोनों ही फोन्स में ये जो गेम है ये ऑप्टिमाइज्ड है। लैग की बात करूं तो बिल्कुल भी लैग नहीं करता। यहां पे इन दोनों के नॉच की वजह से आपको हल्का फुल्का जो विजन है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा आईफोन 13 प्रो में, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो उसका इतना कुछ ज्यादा मतलब नहीं लगता है। अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको इवन पता भी नहीं चलेगा कि उस नॉच का साइज कम है या ज्यादा है। एक बार के लिए अगर ये हट गया होता तो हाँ, कुछ आपको डिफरेंस समझ में आता, लेकिन यहाँ पे छोटा हो या थोड़ा सा और बड़ा हो तो इतना कुछ खास डिफरेंस समझ में नहीं आएगा आपको। अगर इन दोनों में हीटिंग की बात करूं तो आईफोन 12 प्रो काफी जल्दी हीट हो गया था एज कम्पेयर टू आईफोन 13 प्रो, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस तो दोनों में ही आपको कमाल की देखने को मिलती है, लेकिन हल्का सा जल्दी हीट हो गया था आईफोन 12 प्रो। लेकिन अगर गेमिंग प्रोस्पेक्टिव से ले रहे हो तो एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि iPhone 13 Pro में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल ये जो दोनों ही गेम्स हैं, PUBG या फिर न्यू स्टेट हो गया, ये इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, यानी कि 120 फ्रेम्स या फिर 90 FPS के लिए भी वो ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन बहुत जल्द स्टीम वाला जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा 13 Pro 13 Pro Max में। तो आप 90 FPS पे या फिर जितना भी होगा वो मेंशन कर देंगे वहां पे, उस FPS पे आप खेल सकते हो, तब ये जो गेम होगी ये नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करेगी। तो अगर गेमिंग वाइज देखा जाए तो फिलहाल आपको इतना कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो 120 फ्रेम्स या फिर 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हमको, तो 13 प्रो बीट कर जाएगा आईफोन 12 प्रो को। तो अब जब गेमिंग की बात हो रही है तो अब देख लेते हैं कि आपको इन दोनों में ही आप कितनी देर तक गेम खेल सकते हो, यानी कि अब इन दोनों के बैटरी बैकअप्स की बात कर लेते हैं। आईफोन 12 प्रो में आपको 2815 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, वहीं आईफोन 13 प्रो में 3095 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर mAh वाइज देखा जाए तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि A15 बायोनिक चिप बहुत ही कमाल तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, इसीलिए आपको आईफोन 13 प्रो में बहुत ही कमाल का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, 2 से 2.5 घंटे ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा आईफोन 12 प्रो के कंपैरिजन में। और अगर गेमिंग की बात करो तो गेमिंग में भी आप 1 से 1.5 घंटा ज्यादा गेम खेल सकते हो आईफोन 13 प्रो में एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो। साथ ही अगर इन दोनों में चार्जिंग की बात करो तो आईफोन 12 प्रो 20 वॉट्स तक फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, वहीं आईफोन 13 प्रो में आपको मैक्सिमम 24 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि आप इस ऑर्डिनरी चार्जर से नहीं कर सकते हो। उसके लिए अगर आपके पास मैकबुक का चार्जर है तो उस चार्जर से आप इसको 24 वॉट्स तक फास्ट चार्जिंग दे सकते हो। मैं बहुत ही जल्द इन सबका चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूं, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन आए। तो अब बात कर लेते हैं काफी मेन एलिमेंट की, जो कि है कैमरा। यहां पे आपको दोनों ही फोन्स में एकदम सेम कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, बस यहां पे आपको साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। आईफोन 13 प्रो के लेंसेज जो है वो काफी बड़े हैं, कैमरा मॉड्यूल का साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स में तीनों जो लेंसेज देखने को मिलेंगे ये 12 मेगापिक्सल के लेंसेज हैं। अगर आईफोन 12 प्रो की बात करें तो इसमें आपको f1.6 अपर्चर के साथ देखने को मिलता है, वहीं आईफोन 13 प्रो में 1.5 अपर्चर के साथ देखने को मिलता है। अल्ट्रावाइड की बात करें तो 2.4 अपर्चर के साथ देखने को मिलता है, वहीं आईफोन 13 प्रो 1.8 अपर्चर के साथ देखने को मिलता है। और साथ ही टेलीफोटो लेंस में आपको 2.0 अपर्चर देखने को मिलता है 12 प्रो में, 2.8 अपर्चर देखने को मिलता है 13 प्रो
प्रो में। अपर्चर जितना कम होता है कैमरा लेंस उतना ज्यादा लाइट कैप्चर करता है। यहाँ पे टेलीफोटो लेंस में आपको ज्यादा अपर्चर इसीलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज इसका जो टेलीफोटो लेंस है ये ज्यादा कैपेसिटी वाला है, इसमें आपको ज्यादा जूम इन देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो। आईफोन 12 प्रो में HDR3 और आईफोन 13 प्रो में HDR4 देखने को मिल जाता है। ये तो थे सारे इनके स्पेक्स। यहाँ पे मैं कुछ फोटोज आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आईफोन 13 प्रो की इमेजेस है यहाँ पे आपको हल्का सा ज्यादा कलर्स देखने को मिल जाते हैं, कलर एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है आईफोन 13 प्रो में। यहाँ पे जो नीचे सैंड का कलर है वहाँ वो देख सकते हो आप, ऊपर जो स्काई का कलर है स्काई का कलर देख सकते हो। थोड़े बहुत आपको कलर और कंट्रास्ट का इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। दोनों के ही फीचर्स की बात करूं तो दोनों में ही आपको एप्पल प्रो रॉक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप रॉ इमेज क्लिक कर सकते हो। अगर बात करें इन दोनों के डिफरेंसेस की तो यहाँ पे आपको आईफोन 13 प्रो में फोटोग्राफिक स्टाइल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप डिफरेंट स्टाइल्स में फोटो क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही वार्म एरिया है तो वहां पे आप कूलर फोटोज क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत वार्म फोटोज चाहिए तो वार्म का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। और इसमें 5-6 अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें अलग अलग तरह की फोटोज क्लिक कर सकते हो आप। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के वीडियो कैमरा में, तो यहाँ पे आपको आईफोन 13 प्रो में सिनेमैटिक मोड देखने को मिल जाता है जो कि काफी यूनिक फीचर हो जाता है इन आईफोन्स में। आईफोन 12 प्रो में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली एक पोर्ट्रेट मोड है वीडियोस के लिए, आप जब भी वीडियो शूट करते हो और अगर आपके पास प्रॉपर लाइटिंग है तो आप बहुत ही कमाल तरीके से वीडियोस को शूट कर सकते हो। पीछे जो बैकग्राउंड है ये पूरी तरीके से ब्लर हो जाता है और ये एक सिनेमैटिक लुक देता है। लेकिन मैं एक ऐप सजेस्ट करूंगा, इसका नाम है प्रोटेक। उसके थ्रू आप आईफोन 12 प्रो में भी सिनेमैटिक शूट कर सकते हो। बोनस टिप थी आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे 13 प्रो में एक और फीचर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है, प्लस वो आपको नहीं देखने को मिलेगा आईफोन 12 प्रो में, जिसका नाम है प्रो रेज। बेसिकली जो प्रो रेज है ये प्रो रेजोल्यूशन के वीडियोस क्लिक करने के केपेबल है। यानी कि अगर आपको अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में वीडियोस क्लिक करने हैं तो आप इस मोड का यूज कर सकते हो। प्रो रेज के 1 मिनट का 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकेंड का जो वीडियो बनता है वो 6GB के आसपास होता है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सैंपल चला के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है एप्पल प्रो रॉ जो कि 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे रिकॉर्ड कर रहा है और इसका 1 मिनट का वीडियो 6GB के आसपास का जाने वाला है। और अब जो आप देख रहे हैं ये 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे HD में देख रहे हो, यानी कि 1080p HD में ये 60 फ्रेम्स पर सेकंड में काम कर रहा है और आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसी के साथ दोनों ही जो कैमरास हैं ये डॉल्बी विजन में HDR शूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। iPhone 12 Pro 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक 4K HDR में शूट कर सकता है और वहीं iPhone 13 Pro 4K at 60 फ्रेम्स पर सेकंड में HDR शूट कर सकता है। जैसे ही आप iPhone 12 Pro में 60 फ्रेम्स पे शूट करते हो वो HDR से नॉन HDR हो जाता है और वो एक नॉर्मल वीडियो शूट करता है। दोनों में ही नाइट मोड पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो थे वो पॉइंट्स, यानी कि वो डिफरेंसेस जो कि आपको इन दोनों ही फोन्स में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए। तो देखो अगर एक नया फोन खरीदने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको जो बहुत ही बड़े एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बेसिकली 3 एलिमेंट्स है। सबसे पहला इसका डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले एक बहुत ही बड़ा जंप है और ये जो इसका फीचर है ये मुझे इन सारे ही आईफोन से अलग करता है। अगर आपको रिफ्रेश रेट से फर्क पड़ता है, अगर आप एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले चाहते हो तो आईफोन 13 प्रो आपके लिए है। इसके सामने अगर आप iPhone 13 भी रख देते हो तो भी वो इसके सामने बेकार हो जाता है। वहीं आपको बहुत ही बेहतरीन बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है iPhone 13 Pro में, तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा रीजन है। और साथ ही अगर आप बहुत ही अल्ट्रा लेवल के वीडियो शूट करना चाहते हो, वीडियोग्राफी में आपका काम है और अगर आपको इसके प्रो रेस की जरूरत पड़ने वाली है तो हाँ आपको iPhone 13 Pro ही लेना चाहिए। और ये मेरा तीसरा बहुत बड़ा रीजन है iPhone 13 Pro सजेस्ट करने का। लेकिन अगर आपका इन तीनों में ही इतना कुछ ज्यादा यूज नहीं है, अगर आप एक जनरल फोन यूज करने वाले हो, अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो तो iPhone 12 Pro भी बहुत ही सारा कमाल का फोन है। दोनों में ही अगर आप आज की डेट में गेम खेलते हो तो आपको एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कोई भी फ्रेम रेट का डिफरेंस नहीं है, दोनों ही 60 FPS पे काम करते हैं फिलहाल, तो आपको यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। हां iPhone 12 Pro में बैटरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी iPhone 13 Pro में है, लेकिन iPhone 12 Pro की भी बैटरी कोई खराब नहीं है, वहां पे भी आप काफी अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो। तो अगर गेमिंग के लिए देख रहे हो तो iPhone 12 Pro ले सकते हो। अगर जनरल आपको एक फोन यूज
करना है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, इतना ज्यादा आपको मतलब नहीं है दूसरी चीजों से, तो आप ले सकते हो। इन दोनों का जो लुक और डिजाइन है वो एग्जैक्ट सेम है। अगर मैं इन दोनों ही फोन को दूर से आपको दिखाऊं तो आप बता भी नहीं पाओगे कौन सा है। यहाँ पे आपको लेंसेस का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर इंडिविजुअली किसी एक फोन को लोगे तो जब तक उसको हाथ में उठा के और देख नहीं लोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 12 प्रो है या फिर 13 प्रो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये काफी बड़ा अपग्रेड है। अगर आप आईफोन 12 प्रो से अपग्रेड करना चाहते हो तो हाँ आप कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक साल और रुक जाओगे तो आपको आईफोन 14 प्रो देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने आईफोन 12 प्रो लिया है तो एटलीस्ट उसको 2 साल तक यूज करो, उसके बाद ही सेल करो, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर आप 11 प्रो से अपग्रेड कर रहे हो तो हाँ आप अपग्रेड कर सकते हो, बहुत ही कमाल का अपग्रेड है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इन दोनों ही डिवाइसेस के बारे में, कौन सा डिवाइस लेने वाले हो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं उसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।